भाजपा से पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष एवं हरिद्वार की पूर्व जिला अध्यक्ष कल्पना सैनी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये हरिद्वार जिले में सैनी समाज को एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इस दौरान कल्पना सैनी ने पार्टी का आभार जताया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए रुड़की निवासी कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया है। कल्पना सैनी पूर्व गांधी शिल्प इंटर कॉलेज में पूर्व प्रधानाचार्य भी रही हैं। इसके साथ ही भाजपा हरिद्वार की पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में उत्तराखंड पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष हैं। बता दें कि उत्तराखंड भाजपा संगठन की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे गए पैनल में शामिल 10 नामों में कल्पना सैनी का नाम शामिल था। कल्पना सैनी को राज्यसभा टिकट मिलने के बाद उन्हें बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। वहीं वह लंबे समय से कलियर और रुड़की विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी करती आई हैं। उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर भाजपा ने हरिद्वार में दोहरा निशाना साधा है। प्रदेश गठन के बाद ये पहला मौका है जब हरिद्वार जिले से किसी राजनेता को राज्यसभा का टिकट मिला है। इसके साथ ही जिला सैनी बाहुल्य है। इस टिकट का लाभ भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। वहीं राज्यसभा सीट के लिए 1 जून से नामांकन और 10 जून को मतदान होगा। अभी तक राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय है, तो माना जा रहा है कि बिना चुनाव के ही कल्पना सैनी राज्यसभा पहुंच जाएंगी। कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर, ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। और अगर मुझे आज प्रथम महिला के रूप में राज्यसभा में भेजा जा रहा है तो मैं अपने कार्यों को ऐसा रखना चाहूँगी जिससे कि जो है मेरी आने वाली पीढ़ियों में महिलाओं को भी और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी के लिए भी मैं उदाहरण बन सकूँ।